हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर फ्री सॉल्यूशन क्लास चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि बिहार बोर्ड में 10th पास वाले स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलता है उसके बारे में। आपको हम बता दें कि जो स्टूडेंट्स मैट्रिक एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करते हैं उन्हें 10,000 और सेकेंड डिवीजन वाले को 8,000 दिया जाता है, जो कि मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के द्वारा दिया जाता है। ये राशि प्राप्त करने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। तो इस आवेदन को हम कैसे करेंगे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आपको ये ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए क्रोम ब्राउज़र पे आपको ई कल्याण सर्च करना होगा। ई कल्याण सर्च करने के बाद उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, जो कि इस पे आप क्लिक करके जाइएगा। क्लिक करने के बाद आपको लिखा हुआ है मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना 627 वाले पे क्लिक करने के बाद आप नीचे वाले लाइन मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन पे क्लिक करिएगा, जो कि लिखा हुआ है 2021 के लिए आवेदन करें। उसके बाद आप क्लिक करने के बाद ऐसे इंटरफेस खुलेगा, उसके बाद आपको क्लिक करना है स्टूडेंट वाले पर। उसके बाद आप न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है सबसे पहले। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस खुलने के बाद आपको इस जो गाइडलाइन दिया हुआ है उसको पढ़ना है। उसके बाद सभी इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करना होता है। जैसे देखिए, जैसे कि हम आप यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, क्लिक करने के बाद आप पूरे अच्छे तरह से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही क्लिक कीजिएगा। और उसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप इस जो पूरा है उसको आप अच्छी तरह से पूरा भरिएगा, ठीक है। चलिए हम अब आपको बता दें कि इसको कैसे भरना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि जो आपका 10th क्लास में रजिस्ट्रेशन नंबर था उसको आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, यानी कि यहाँ पे भर दीजिएगा। उसके बाद आप नेम ऑफ स्टूडेंट, यानी कि जिस स्टूडेंट ने पास किया है उसके लिए आवेदन भरना है, वो अपना यहाँ पर नाम लिखेगा, ठीक है। जैसे मान लिए आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, यानी कि तो अपना आप यहाँ पे नाम लिखिएगा। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है कि मैरिड हैं या आप मैरिड नहीं हैं। तो मैरिड आप हैं तो आप यस कीजिए, अगर नहीं हैं तो यहाँ पे नो क्लिक कर दीजिए। फिर लिखा हुआ है कि टोटल अबटेन मार्क 10th में, यानी कि 10th क्लास में जो आप पास किए हैं उस पर आपका कितना मार्क्स आया है, वो मार्क्स इसमें लिख देना है। उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ एज पर 10th क्लास, यानी कि जो 10th क्लास का सर्टिफिकेट में आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे डालिए। उसके बाद कैटेगरी लिखना है, यानी कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, कौन से जाति के हैं वो, यानी कि किस कैटेगरी में आपको रखा गया है। यानी कि जैसे BC होता है, OBC होता है, SC ST, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप डिवीजन, यानी कि कौन सा डिवीजन आपका आया है, थर्ड डिवीजन आया है, सेकेंड डिवीजन, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। उसके बाद नीचे आता है कि आपका नाम आधार कार्ड पर क्या है वो लिखना है, आधार कार्ड पर जो नाम है वो लिखना है। उसके बाद आपका जेंडर, यानी कि मेल है या फीमेल, लड़की भर रहे हैं तो लड़की भर रहे हैं तो फीमेल, और लड़का भर रहे हैं तो मेल, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपना आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद आप आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ था वो डालिएगा। आधार कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा वही डालिएगा, दूसरा मत डालिएगा, ठीक है। अब आप इतना करने के बाद आप जब यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यानी कि जो सारा ये जो हम बताएं, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, मैरिड, टोटल ऑब्टेन मार्क्स 10th क्लास में जो कितना मार्क्स है, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी एंड डिवीजन, यानी कि कौन सा डिवीजन है, फिर आधार वेरिफिकेशन के लिए इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप इतना चीज़ भरने के बाद आप जब इस पर क्लिक करेंगे, यानी कि वेरीफाई आधार नंबर पर आपको क्लिक करना होता है। जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा वेरीफाई आधार कार्ड पे, तो यहाँ पे लाल रंग का ये हो जाएगा, यानी कि आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे आ गया है आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली, यानी कि आपका आधार कार्ड वहाँ पे वेरीफाइड हो गया है सफलतापूर्वक, ठीक है। अब आप आगे लिखिएगा मोबाइल नंबर वेरीफिकेशन करना है, तो आप मोबाइल नंबर डालिएगा उस पर। फिर उसके बाद आप यहाँ पे जनरेट OTP फॉर मोबाइल, तो यहाँ पे आपका OTP जाएगा मोबाइल नंबर पे, तो उस पर क्लिक करके यहाँ पे OTP डालना होगा। फिर ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन होगा, जिसके लिए भी आपका ईमेल पे जाएगा, ठीक है। अब आगे आपको बैंक डिटेल्स की जानकारी भी इसमें डालना है। बैंक डिटेल्स जानने के पहले आप यहाँ पे नोटिस कर लीजिए, यहाँ पे नोट पॉइंट करके लिखा हुआ है कि बैंक अकाउंट शुड बी ऑफ बिहार, यानी कि जो आपका बैंक अकाउंट है वो बिहार का होना चाहिए। फिर आपका जिस अकाउंट, मतलब सॉरी, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसका IFC कोड डालिए, बैंक का नाम डालिए। फिर आपका यहाँ पर क्या चीज़ लिखा हुआ है, बैंक अकाउंट, मैंने कहा जो आपका अकाउंट नंबर है, याद रखिए कि अकाउंट नंबर आप सही डालिएगा, क्योंकि इसी पे ये पूरा खेला है। अगर आपका अकाउंट नंबर ही गलत रहेगा तो आपके पास पैसा नहीं आ पाएगा। तो आपको 2 या 3 बार कम से कम आराम से मिला लीजिएगा, ऐसे तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, एक बार
कंफर्म करने के लिए, एक बार सेल्फ करने के लिए, ठीक है। दो बार यहाँ पे ऑप्शन है, दोनों में आराम से मिला लीजिएगा। उसके बाद इतना प्रोसेस करने के बाद आप यहाँ पे ये जो रेफरल कोड डाला होता है, रेफरल कोड यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। रेफरल कोड डालने के बाद आप प्रीव्यू बिफोर रजिस्ट्रेशन जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना होता है। प्रीव्यू का मतलब होता है कि जो आप फॉर्म भरे हैं उसको आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा रजिस्टर हेयर, जहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर हेयर वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद आपको शो करेगा कि सेव पासवर्ड, यानी कि पासवर्ड जो दिया गया आप सेव कर लीजिए, शो कर सकते हो वहाँ पे क्लिक करके। फिर आप पासवर्ड को मोबाइल में सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए लिख दिया ऊपर, क्या लिख दिया कि रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुली। आप इसको अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट पे क्लिक करके आप फाइल को सेव भी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपका दिख रहा है कि सेव हो चुका है, यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको पता चल गया कि यहाँ पर लिख गया रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ वो यानी कि सफलतापूर्वक पूरा हो गया। तो यहाँ तक आपको पता हो गया कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना, आपको रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया। आप यहाँ पे क्लिक हेयर टू कंटिन्यू करने के बाद आपका कुछ इस तरह से यूजर आईडी एंड पासवर्ड मांगेगा, जो कि आपको 6 से 7 दिन के अंदर दिया जाता है आपको मैसेज करके, यानी कि जो ईमेल होगा, ईमेल दिए हैं उस पर मैसेज आएगा, या तो फिर आप जो मोबाइल नंबर दिए हैं उस पर मैसेज आएगा। मैसेज आने के बाद उस पर यूजर आईडी एंड पासवर्ड लिखा होता है, उसके बाद हम इसका आगे का कार्यक्रम करेंगे। आपको वो मैसेज भी हम दिखा देते हैं कि कैसा मैसेज आता है। तो वो मैसेज कुछ इस तरह का भेजा जाता है, जो कि आप पढ़ सकते हैं। पंजीकरण सफल हुआ, कृपया सत्यापन की प्रतीक्षा करें। सत्यापन के बाद आपको आवेदन पूरा करने के लिए काउंसलिंग प्राप्त होगा। ये मैसेज आने के बाद ही आगे का प्रोसेस किया जा सकता है, वरना कोई उपाय नहीं है। तो इसके लिए आपको 6 से 7 दिन का वेट करना होगा, उसके बाद आप आराम से वो आगे का प्रक्रिया कर सकते हैं, यानी कि यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालकर आगे का प्रक्रिया कर सकते हैं। अगर आपसे होता है तब तो ठीक है, अगर नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हमसे नहीं हो रहा भैया, आप इस पर भी वीडियो बना दीजिए, तो हम जल्द ही इसका वीडियो बनाकर डाल देंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यानी कि पसंद आया हो, आपको इस वीडियो से कोई सहायता मिली हो, आपको अच्छे से समझ में आ गया हो फॉर्म भरने के लिए, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने उस दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए जो कि इस बार एग्ज़ाम दिए थे, 10th का पिछले बार एग्ज़ाम दिए थे, और जिनका अभी तक फॉर्म नहीं भराया है वो इससे फॉर्म भर लेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई ऐसे नए वीडियो डालेंगे तो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।